क्या रहूं मैं 3 करोड़ के घर में, 3 पैसे की औकात नहीं वहां मेरी। रात को 1 बजे कौन आया है? इतने रात को शर्मिला की डोरबेल कौन बजा रहा है? शर्मिला की बहन इतनी रात को? इस बार पक्का उसको भगा दिया है, शक्ल से तो लग रहा है रो भी रही है। हो गया कुछ कांड हो गया। इतनी रात को कौन आया है? मिर्जा की खुलती उधर बस। ओए पागल औरत खोल मत, हमको नहीं पता चोर चकोरे हो गई तो घर में घुस के हमें मारा तो, और अगर कोई चुड़ैल बुड़ैल फिर से आ गई होगी तो। सास माँ इतना मत डरिए, कोई नहीं होगा, मैं हूँ ना, खोलती उधर बस। रुक जरा तू, मैं मेरे बेटे को उठाती हूँ। हाँ वो बड़ी माँ रहती है, बाहुबली, कुछ नहीं होता उनसे, मेरे पीछे छुप जाएंगे। जाके देखती हूँ मैं, कोई नहीं होगा, और अगर होगा तो दिखा दूंगी इंगा। अपना अंदर भागने के लिए रेडी रहो। कौन है? अगुमी? छुट्टी? ये है दीदी। क्या हो गया गा? इतनी रात को अच्छा लगता किसी के घर जाना, 1 बज रहे अब। क्या हो गया, कुछ हो गया क्या, रो रही है? आंखें लाल लाल हो गई, क्या हो गया? दीदी मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अगुमी राघव के पापा। क्या बोल रही हो दीदी? उनको कुछ नहीं हुआ पर उन्होंने बहुत कुछ किया। आज सच में मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। तो यहाँ क्यों आई? यही आएगी, मैं तेरी बहन जो हूँ बड़ी। आपके पास से आऊंगी ना, सबसे करीब तो आप ही हो दीदी। वैसे हुआ क्या? अंदर भी नहीं बुलाओगे क्या आप मुझे? वॉशिंग मशीन सोफा ले लिया था, कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड आ गया आप में। नहीं नहीं आना अंदर आ। ये क्या हंस रही है? इतने में सीरियस हूँ, मेरे साथ इतना कुछ हुआ है और ये हंस रही है। तुझे पता है ना वो कैसी है। आ जा अंदर आ जा बेटा, आराम से बैठ। अरे अरे बैठ मत हमारे सोफे पे, कंफर्टेबल नहीं है तुम्हारे जैसा। जा अपने कंफर्टेबल सोफा पे बैठ, बिल्ली जैसे, या अपने बिल्ली पे बैठ। सासू माँ बोल, क्या हुआ इतनी रात को कैसे? दीदी क्या फायदा 3 करोड़ के घर का? टूट गया, फेक होगा। हमारा घर 3 करोड़ का ही है और ना वो टूटा है, वो तो जल्दी बोल गा। तो क्या मिस यूनिवर्स नहीं है जो हम तेरे लिए रुके? बोलेगी ससमा वो, क्या आप उसको ऐसा फोर्स कर रहे हो, उसकी हालत देखिए। ए भाई बोल जल्दी, क्या हुआ? हमको सोना भी है, तेरे जैसे नहीं दिन भर सोना रात को जगना, हमको दिन भर काम करना होता है रात को सोना होता है। राघव के पप्पा क्या किया उन्होंने? फंस गई मैं उनके साथ प्यार करके। फंस तो वो गया तुझसे प्यार करके। ससमा दीदी देखो अभी हमारे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं आपको पता है, पर इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी दीदी। लफड़ा किया होगा? दीदी देखो मैं इतना प्यार से खाना बनाती हूँ और वो हमेशा मेरे खाने में कुछ ना कुछ कमियां निकालते रहते, मैं इग्नोर कर देती हूँ, पर अब तो पिछले 1 महीने से सिर्फ बाहर का खाते हैं दीदी, सिर्फ बाहर का। कुछ नया नहीं उसमें, ये तो हमेशा ही करते, सब पतियों का गुणधर्म ही है वो। बस इतना नहीं दीदी, पिछले 1 महीने से वो लेट आ रहे हैं घर में। काम होगा ज्यादा उनको? कुछ काम नहीं उनका, मुझे तो लगता है जरूर लफड़ा। दीदी आप ही बताओ कहाँ कम पड़ गई मैं? हर जगह। छोटी तू रो मत, मैं अभी उनको कॉल करती हूँ, उनकी सारी खैर खबर लेती हूँ, रुक तू। नहीं दीदी आप उनको कॉल मत करना, उनको आने दो, यहाँ पे 2 करोड़ की गाड़ी लेके, वो गाड़ी भी मेरी वजह से ही आए। कुछ नहीं था इस आदमी के पास दीदी, क्या था? जब से मेरे घर में कदम पड़े सब बरकत आ गई और आप मुझे परेशान कर रहे हैं। छोटी ये तेरी गलत फैमिली है, वो पहले से सक्सेसफुल थे,
काय के सक्सेसफुल लॉस में चल रहे थे, लॉस में। मैं जैसे ही घर में गई उनका प्रॉफिट शुरू हो गया। उर्मिला कौन है? छोटी आई है। अरे उर्मिला, चाचा उर्मिला। अरे रे क्या हो गया? आजा। क्या हो गया, ऐसे रो क्यों रही हो? ये क्या किया राघव के पापा ने? जो सारी चीजें आप मेरे साथ करते हो ना, वही सारी चीजें उसका पति उसके साथ करते। ये भी ऐसे ही करते हैं? हाँ उनका तो रोशका ही है। तो कैसे रहती हूँ इनके साथ? डाइवोर्स दे दो इनको। ये घर फोड़ी, तुझे अगर करना हो डाइवोर्स तो कर, अपनी बहन के दिमाग में ऐसे खुरापाती आइडियाज मत घुसा। बहुत प्यार से खाना बनाती हूँ चीजू, आपको तो पता है। नहीं तुम्हारे हाथ का मैंने भी तो कुछ नहीं खाया। लाऊंगी एक दिन, कोई जरूरत नहीं है उसकी। देखो उर्मिला ऐसा टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं चीजू, उनका बहुत हो रहा है चीजू। Now I can't take it this anymore. क्या? क्या आपके घर को किसी को भी इंग्लिश नहीं आती क्या? मैं ये और सहन नहीं कर सकती। थोड़ा सा भी इंग्लिश सीख लो, थोड़ा थोड़ा, कुछ ज्यादा खर्चा नहीं है सीखने में। मैं चाहूंगी तो आपको फ्री में करा दूंगी, सबके पैसे भरूंगी। इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट दीदी, सब सीखो इंग्लिश। अब बाहर जाओगे? आप नहीं जाओगे बाहर, वैसे हमें जाना पड़ेगा इंटरनेशनल ट्रिप्स पे। एनीवे लगता है आ गई हमारी 2 करोड़ की गाड़ी। इतना हो गया है फिर भी अंदर की आग नहीं जाती। और मिला क्या ऐसा लड़ते देते हो, दूसरों की नींद को खराब कर देते हो? क्यों आए हो? I am not coming for you, I am coming for my baby. देखा दीदी, देखा मेरी कोई जरूरत नहीं इनको, अपने बेटे की जरूरत है। लो इसको भी लो, एक को वहां छोड़ के आई हूँ, इसको भी लेके जाओ, कोई जरूरत नहीं मुझे। अरे क्या, कैसी माँ है तू, तुझे जरूरत नहीं अपने बच्चों की? तो आपको ये नहीं दिखता ये कैसे बाप है? अरे मैं सबसे पहले आती हूँ ना, मेरी कुछ जरूरत नहीं इनको, बस बच्चे चाहिए अपने। उर्मिला लिसन टू मी, डोंट टॉक विथ मी। उर्मिला लिसन टू मी, यू आर डूइंग एवरीथिंग सो मच हाई and right now I am on high. You have to listen to me. No, this is high time. I want to take action right now here. What kind of action here? I am planning for divorce. What? Yes, I am planning for divorce with you and mere ko nahi rehna anymore with you. Theek hai, got it? Okay, if you want to divorce our, we can do divorce, okay? We will do divorce. No, I am ready for that. So why you propose me अटर मटर तलाव के पास? There you like शाहरुख खान, oh my Simran, and now where is your Simran? I think my Simran is gone in that तलाव. You are not my Simran anymore. And first of all, you invite me first. Oh really? I did not invite you. You invite me first. Cricket का ball दीदी. He cut the ball, put the chitti inside, and throw on terrace. Then I go, I see the ball. I threw him and he said, you stupid, open that ball and look at that chitti. Again he threw the ball. When I see the chitti, I like, oh, and all things started. इसलिए तू बाल सुखाने जाती थी टेरेस पे। Oh, I am losing my track. Where I am? हाँ, you started all this thing nonsense, okay? I did not start it. ये तूने शुरू किया, now you have to end it. No, you don't have. I have to end it because I am done with this relationship. मेरे को नहीं रहना तेरे साथ. It's okay. Wow. So you are done with this. You are done with all these things, right? You don't care about your बच्चा also, right? तुम्हें कोई जरूरत नहीं बच्चों की. Why मुझे जरूरत? नहीं. Why only मुझे जरूरत? You have to also जरूरत for your children. Why only मुझे जरूरत? You also think about me first, right? You always think about other things first. No, not me. Always other things. Why? I'm not your first priority. And then what is your first priority? Bol. Urmila, you always do overreact, okay? You always, this is your habit. You can't live without that thing. I do everything for you. So what? You did everything for me. So I also leave my house for you? Okay. Then ja phir se ghar. Didi, look at him.
What he just said? Sorry, आपको इंग्लिश नहीं आती. अभी क्या बोला? देखा ना आपने बोल रहे हैं मायके चली जाओ. वाह. You done with me, right? I think you found someone. Oh, who is she? Who is she? Our new property. Huh? You listen right. I just खरीदी किया new property. What? Yeah, that's why I come late. But you never ask me anything. I think you always do drama. But why are you always finding mistake in my subjects? Because I love your angry face. You know, Didi, see, that's why I fell for him. I just love him. I love you too. Kaise mujhe tum mil gayi? Kyun hum